नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपके साथ एक और नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। कहीं आपने भी अपने यहाँ पर इस तरह की गलती की हुई है तो आप अपने यहाँ पर सुधार करेंगे तो आपको भी रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिलेंगे। मैं आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक क्लाइंट, उनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में लिविंग एरिया था और साउथ ईस्ट में ड्राइंग रूम था। जैसे ही उन्होंने अपने यहाँ पर सोफ़े लगाने के बाद बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा था, पति पत्नी की अच्छी बन रही थी। जैसे ही सोफ़े लगाए, उनके घर में महाभारत चालू हो गई, झगड़े चालू हो गए। उनके यहाँ हर रोज़ झगड़े बढ़ते ही चले गए। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बंसल जी, ऐसे ऐसे बातें, जब से हम घर में शिफ्ट हुए हैं तब से झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं, ऐसी क्या गलती की। उन्होंने मेरे को वीडियो बनाकर भेजी। जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो समझ आया कि उन्होंने अपने यहाँ पर क्या गलती की है। वही पॉइंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उनके यहाँ दो कलर के सोफ़े थे, एक ब्लैक कलर का सोफ़ा और एक रेड कलर का सोफ़ा। रेड कलर का सोफ़ा था उन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है और ब्लैक कलर का सोफ़ा उन्होंने साउथ ईस्ट जोन में रखा हुआ। जैसे उन्होंने वीडियो बनाकर भेजी और जैसे मैंने कहा कि जो आपके ये सोफ़े रखे हैं, जब से ये सोफ़े रखे हैं तब से आपके घर के अंदर झगड़े बढ़ रहे हैं। बोले, भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब से हमने ये सोफ़े रखे हैं तब से ही ऐसा हो रहा है। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप जो रेड कलर के सोफ़े हैं वो साउथ ईस्ट में ले जाएं और जो ब्लैक कलर के सोफ़े हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ले आएँ। जैसे उन्होंने वो किया तो 2 से 3 दिन के अंदर ही उनका माहौल घर के अंदर अच्छा होता चला गया और जो पति पत्नी के आपस में झगड़े हो रहे थे वो झगड़े भी ख़त्म हो गए। क्या कमी आई? नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर आ गया और साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर आ गया। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट रेड कलर को एक्सेप्ट नहीं करता और साउथ ईस्ट ब्लैक कलर को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन अग्नि तत्व का स्थान है और नॉर्थ ईस्ट जोन सॉफ्ट अर्थ का स्थान है, यानी नर्म पृथ्वी तत्व का स्थान है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं आना चाहिए और साउथ ईस्ट कॉर्नर में ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर नहीं आना चाहिए। कोई भी सामान इन कलर का साउथ ईस्ट जोन में और नॉर्थ ईस्ट जोन में नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो बात मैंने आपको बताई है, एक उदाहरण के तौर पर इसको आप अच्छे तरीके से सुने, समझे। मेरी वीडियो आपको समझ नहीं आई तो मेरी इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर सुने, एक बार रिपीट करके सुने, दो बार रिपीट करके सुने, 3 बार रिपीट करके सुने, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने अपनी इस वीडियो में आपको वास्तुशास्त्र के बारे में क्या बताया है। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर ये छोटा सा बदलाव ज़रूर करके देखें। चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बना हुआ है या ड्राइंग रूम बना हुआ है, वहाँ पर रेड कलर अवॉइड करना है, और साउथ ईस्ट जोन में आपका बेडरूम है, किचन है, या आपने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है तो वहाँ पर ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आप मेरी वीडियो को देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।